के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। बात करेंगे कैराना लोकसभा उपचुनाव को लेकर। जी हां, कैराना लोकसभा उपचुनाव को लेकर बाबू हुकुम सिंह की मौत के कारण ये सीट खाली हुई है। 4 महीने के अंदर ही सीट पर चुनाव कराया जा रहा है। हालांकि खुद के द्वारा जो सीट खाली हुई थी आदित्यनाथ योगी के विधान परिषद में चले जाने के कारण, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाने के कारण, उस सीट पर 1 साल बाद चुनाव कराया गया। जो सीट खाली हुई थी फूलपुर की केशव प्रसाद मौर्य के विधान परिषद में जाने के बाद डिप्टी सीएम बन जाने के कारण उस सीट पर 1 साल बाद चुनाव कराया। लेकिन यहां फरवरी में बाबू हुकुम सिंह की मौत के बाद 4 महीने के अंदर चुनाव कराया जा रहा है। अच्छी बात है क्योंकि नियम भी सिर्फ 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने का है, लेकिन वहां साल भर कराया क्योंकि लग रहा था कि चुनाव अगर फौरन करा दिया शायद नतीजे कुछ और आए, लेकिन साल भर बाद भी कराया तो नतीजे कुछ और ही आए। लेकिन एक चीज और है यहाँ दिलचस्प ध्यान देने की बात रखने से पहले आपको समझ लेना चाहिए, जितने भी उपचुनाव हुए हैं आप राजस्थान में देखें, राजस्थान की 2 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, अलवर पे और अजमेर पे कांग्रेस जीत गई। वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुआ वहां पे ममता बनर्जी भी जीत गई, भाजपा वहां पे भी हारी है। उड़ीसा में चुनाव हुआ उपचुनाव, वहां पे भी भाजपा हार गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर में जो चुनाव हुआ उपचुनाव, वहां पर भी विपक्षी पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी जीत गई। तो मध्य प्रदेश में भी हमारे सामने यही है। तो उपचुनाव में लगातार विपक्ष जीत जाता है, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव हमें फिर बता देगा कि जब मुख्य चुनाव होता है तब एक ही पार्टी जीतती है और उसको बहुमत भी 2/3 मिलता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुमत भी 2/3 मिलता है, जो लोग जीतते हैं उनको बहुमत इतना नहीं मिलता। तो ये जीत कोई खास जीत नहीं है और कितने दिनों की जीत है, क्योंकि अगले साल फरवरी से आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव होने हैं मई तक। तो धीरे धीरे 2-3 महीने में चुनाव होंगे, तो मुश्किल से कितना टाइम हमारे पास बचा है, ये मई लग चुका है, मुश्किल से हमारे पास बचे हैं 8-9-10 महीने बचे हैं। 9-10 महीने के बाद चुनाव होना ही होना है, तो 10 महीने के लिए चलो भाई विपक्ष वालों को खुश कर दो, ये भी सांसद बन के मजे कर लेंगे। जब मैन चुनाव होगा 2019 का तब तो शायद ईवीएम का वही जलवा दिखाई दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के सवाल हैं। हालांकि कहीं कुछ हद तक लगता भी ऐसा ही है कि जब मुख्य चुनाव होते हैं तो ईवीएम कुछ और काम करती है और जब उपचुनाव होते हैं बाईपोल होता है तब ईवीएम कुछ और करती है। क्या खबर आ रही है हमारे पास से, नोटिफिकेशन जारी कर दिया चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 28 मई को यहां पर चुनाव होगा। दोबारा से सुनिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए। 28 मई को यहां पर चुनाव होगा और 31 मई को यहां पर चुनावी नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये हो रहा है जैसा मैंने आपको पहली खबर में कहा था अपनी, जब मैंने कैराना पे पहली खबर की थी, हम हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हैं, मैंने पूरा उसमें किराना का इतिहास बताया था कि कैराना में कब कब कौन कौन सांसद रहा, कब कब कौन कौन विधायक रहा, बाबू मुनकाद अली की क्या हैसियत रही, मुनव्वर हसन की क्या हैसियत रही, कैराने का जो संगीत घराना है उसकी क्या हैसियत है और कैराने की अपनी भौगोलिक क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या चुनावी आंकड़े 2014 में थे और क्या चुनावी 2017 में। अगर आप हमारी उस पूरी खबर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके वो खबर हमारी देख सकते हैं। लेकिन इस खबर में मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अब चुनाव। हां, उस खबर में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कर्नाटक चुनाव से पहले नहीं कराया जाएगा कैराना का चुनाव, कर्नाटक चुनाव के बाद कराया जाएगा। पता चला कि सीट पे भी हार गए उपचुनाव में, जैसे अक्सर कर हार ही रहे हैं जो नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर पूरा एक सिस्टम देखें, पूरा एक जो साइकिल चल रहा है तो उस तरीके का अगर देखें तो पता चला कि यहां की हार का नतीजा कर्नाटक में भुगतना पड़े। तो इसलिए कर्नाटक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग जो कैराना का चुनाव कराएगा, ये मैंने उस खबर में बताया था। तो उसी खबर पे मोहर लग रही है हमारी धक्कड़ खबर की, उसी खबर पे मोहर लगी है, उसी अंदेशे पर, उसी बात पर मोहर लग रही है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद, कर्नाटक चुनाव के नतीजे 15 तारीख को आ जाएंगे और 15 मई को आ जाएंगे और 15 मई के बाद 28 मई को यहाँ पे चुनाव होगा कैराना के अंदर। तो देखना दिलचस्प होगा। दूसरी एक वजह ये भी है कि कर्नाटक चुनाव में लगा दिया गया आदित्यनाथ योगी को, वो वहाँ सैकड़ों सभाएं करेंगे, इसलिए अगर साथ में यहाँ पहले चुनाव करा दिया गया तो उत्तर प्रदेश संभालना पड़ेगा आदित्यनाथ योगी को। तो वो पूरा काम, वो लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे एंगल निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि धाकड़ खबर की इस बात पर मोहर लगी है कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही कैराना में चुनाव होगा। 28 तारीख को चुनाव होगा और 28 तारीख को चुनाव होगा और 31 मई को उसके नतीजे आएंगे। जो भी कैंडिडेट होंगे और जो भी अपडेट होगा वो हम आपके बीच लेके आएंगे। बड़ी खबर क्या है इसके अलावा,
बड़ी खबर यह है, एक है मिस्टर सहिंदर रमाला जो छपरौली से विधायक थे आरएलडी के। छपरौली वो सीट है जो 1937 से आरएलडी के पास है, आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, वो अजीत सिंह की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह उनके फादर रहे हैं, उनका बेटा जयंत सिंह, तो ये उनकी रेगुलर सीट चली आ रही थी। 2014 में उनका सुपड़ा साफ हो गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से। 2017 के चुनाव में सिर्फ वो यही अपनी परंपरागत सीट जो 1937 से थी इसी पे जीत पाए, इस पे जीत पाए थे उनके विधायक सहिंदर रमाला। लेकिन हुआ क्या कि जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें इल्ज़ाम लगा सहिंदर रमाला पे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। उस क्रॉस वोटिंग के चलते जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीत सिंह, उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से तो पहले ही निकले हुए हैं, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बड़ी खबर ये आ रही है, जो रिपोर्ट्स हैं कि सहिंदर रमाला आरएलडी के विधायक, इकलौते विधायक, भाजपा में शामिल हो गए और वो कैरानाव लोकसभा उपचुनाव में अजीत सिंह के खिलाफ, या यूं कहें उनके बेटे के खिलाफ जयंत सिंह के खिलाफ, या यूं कहें कि आरएलडी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी मोर्चाबंदी करेंगे। और खास उनका इस्तेमाल किया जाएगा बागपत के लिए भी, क्योंकि बागपत लोकसभा सीट हमेशा से अजीत सिंह की रही है, परंपरागत सीट रही है। तो माना यही जा रहा है कि 2019 में भी अजीत सिंह बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर भी सहिंदर रमाला का यूज किया जाएगा, उनका प्रयोग किया जाएगा। हालांकि आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने कहा है कि सहिंदर रमाला की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो आरएलडी के टिकट पर लड़ रहे थे इसलिए वो छपरौली से जीत पाए, अकेले वो कहीं लड़ेंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है और हम उनको पार्टी से पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए वो किसी भी पार्टी में चले जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा मूवमेंट है ये, तारीखों का ऐलान होने के बाद बड़ा मूवमेंट यही है कि आरएलडी का जो विधायक था सहिंदर रमाला, वो जो पार्टी से निकाल दिया गया था, वो सहिंदर रमाला भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ चला गया है। और दूसरी चीज़ जो निकल के आ रही है, अभी तक जो महागठबंधन है, बसपा तो कभी उपचुनाव लड़ती ही नहीं है साहब, तो इसलिए वो यहां लड़ेगी भी नहीं, ये भी आप क्लियर समझ लीजिए। तो बचा कौन? सपा, कांग्रेस और आरएलडी। तो सपा, कांग्रेस और आरएलडी में ये सीट किसके हिस्से में जाती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कुछ लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी जिस तरीके से वहां पे मेहनत कर रहे हैं वो सीट आरएलडी के खाते में दे दी जाए, ताकि एक सांसद पड़े ही 8 महीने 10 महीने के लिए लोकसभा में जाए, आरएलडी का भी चले जाए और आरएलडी का जो कार्यकर्ता है, जो जिसका मनोबल गिरा हुआ है, उसका मनोबल बढ़ जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक तरीके से मजबूत होकर उभरे। लेकिन एक चीज की दिक्कत आ रही है, जैसे क्रॉस वोटिंग की आरएलडी वाले विधायक ने, उससे मायावती नाराज बताई जा रही है आरएलडी से, लेकिन आरएलडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करके गठबंधन को, महागठबंधन को बचाने की कोशिश की है। तो देखना दिलचस्प होगा इस सीट किसके हिस्से में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जरूर हुकम सिंह की बेटी मृंगाका सिंह पर यहाँ दांव लगाने जा रही है। यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा हर चीज़ से आपको अपडेट करेंगे। सिर्फ एक चीज़ बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में 2014 के जो भाजपा का प्रत्याशी थे हुकम सिंह, जो वहाँ से 7 बार पहले विधायक भी रह चुके थे, उनको मिले थे 5,65,000। उनके मुकाबले तमाम विपक्षी दलों के जो महागठबंधन आज बना रहे हैं उनके लोगों को वोट मिले थे 5,30,000, यानी कि सिर्फ 35,000 वोट कम मिले थे। अगर हम 2017 का विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली हैं, इस लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, 4 विधानसभा भाजपा जीती और कैराना की विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती। तो वहां अगर हम देखें तो टोटल 5 लोकसभा विधानसभा सीटों का अगर आंकड़ा जोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा जीतने के बाद भी 4,32,000 वोट मिले, जबकि 1 विधानसभा जीतने के बाद और 4 विधानसभा हारने के बाद महागठबंधन का वोट अगर जोड़ दें तो 4,98,000 बनता है, यानी कि 56,000 वोट ज्यादा मिला है। तो बहुत रस्सा कसी का मुकाबला होने वाला है। पूरम में हार चुके हैं गोरखपुर और फूलपुर, और अब पश्चिम की बारी है, क्योंकि पश्चिम से ही नफरतों की जो जड़ की शुरुआत की थी 2013 में, शायद उसका जवाब इस उपचुनाव में मिलने जा रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी होगा उसे लेकर आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।